मजा आया। हेलो, तो मैं आ चुका एक और न्यू वीडियो देकर वापस। एंड कैसे हो आप लोग भाई, उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। एंड जंप करी थी आज मिलिट्री बेस, एंड जैसे ही नीचे जंप की तो बहुत सारे बंदों का यहाँ पर पता लगा। एंड गाइस, आज की वाली वीडियो में बहुत ज़्यादा मजा आएगा, तो वीडियो शुरू से एंड तक वॉच करना। और इसके अंदर आपको मेरे ना ऐसे ऐसे क्लच देखने को मिलने वाले हैं जो मैं 1 HP पर मारूंगा, एंड उन क्लच को देखकर सच्ची मेरे रोंगटे खड़े होने वाले हैं आप लोगों के। तो फिलहाल अब करते हैं बंदों की कुटाई। अब ये बंदा भागा तो ओपन से था, बट यार ऐसी जगह नोक हुआ जहां मुझे दिखना भी बंद हो गया था, बोले तो इनविजिबल नोक। एंड गाइस, इस बंदे को नोक करने के बाद इसको फिनिश किया एंड अपने खाते में एक और किल बढ़ाया। एंड भाई, हम यहां से जैसे ही आगे बढ़े इस बंदे को फिनिश करने, तो भाई उधर बंदों का ना एक भसड़ मचा हुआ था एंड कई सारे बंदे उस साइड में थे। एंड वहां पर सबसे पहले तो मेरा टीममेट नोक हो जाएगा, एंड उसके नोक होने के बाद जो तुम्हारा भाई 1 HP पर क्लच मारेगा ना, उसको देखकर फैन होने वाले हो तुम अपने भाई के। एंड वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। जल्दी आ, marked a location. Hatna ka वन बी फोर कराना। अब हकीकत बताऊं तो पूरी बॉडी में करंट दौड़ रहा था जब ये बंदे एक एक करके मेरे ऊपर आ रहे थे, एंड इतनी प्यारी पीक ले लेकर इन बंदों को मैं भर रहा था ना। ये हकीकत में सोच रहे होंगे या बंदा ये तो हैकर है या भाई कुछ तो है, कुछ तो मैटर है। बट यार, बट यहाँ पर बहुत ज़्यादा मज़ा आया, एंड आप लोगों को इस वाले क्लच में आप लोगों को मज़ा आया ना थोड़ा सा भी, तो कमेंट कर दो एंड लाइक कर देना वीडियो को। एंड जो भी चैनल पे है चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसी जो मज़ेदार वीडियो ना मैं हर रोज़ लाता रहता हूँ। एंड गाइस, मज़ा आता है ना तो एक कमेंट बनता है। अब फिलहाल ये बंदा मतलब अपनी रहम की भीख मांग रहा था, और इसने ना अपनी जो भी सामान था ना इसके पास सब छोड़ दिया इसने मेरे पास ही, एंड मैंने भी इस बंदे को छोड़ दिया। अब मुझे लगा कि राइट से इसका बंदा आ रहा है, तो मैं थोड़ा कवर से खड़ा हो गया। जैसे ही वो पास आया ना, पता चला कि वो एक फ्री का किल मेरे लिए आ रहा है, वो भी बोट। पूरी मिलिट्री बेस खाली कर दी थी एंड खाट से में आए थे 7 किल। एंड गाइस, ये जितने भी किल थे एक इंटेंस फाइट एंड एकदम तो मजेदार धाकड़ किल थे। अब फिलहाल हम लोग यहाँ से निकले एंड बग्गी उठाए, बग्गी लेकर हम जैसे ही जा रहे थे तो हमने ना रास्ते में एक लैम्बोर्गिनी उठाने की कोशिश की, एंड तभी पता चला कि 3-4 बंदे गाड़ी में बैठ कर मिलिट्री बेस को तबाह करने आ रहे हैं। एंड उससे पहले मैंने उन लोगों को रोका एंड उनको उनकी सजा दी, क्योंकि वो ऐसा घटिया काम करने जा रहे थे ना, तो भाई उनको ना क्या ही पेलूंगा मैं, वो देखो आप लोग। एंड स्प्रे के लिए एक लाइक कर देना।
अब यार वीडियो को स्टार्ट किया तो 1v4 एंड गाइस वीडियो के मिडल में आए तो 1v3 एंड गाइस इन सब के लिए एक लाइक तो बनता है। फिलहाल यहां पर सारे बंदे मैंने खत्म कर दिए थे एंड सारे किल मेरे खाते में। यहां मेरे बंदे ने एक भी किल नहीं चुराया था, इस बात की मुझे बहुत ज़्यादा खुशी थी क्योंकि ऐसे सीन में ना मेरे टीममेट ज़्यादा से ज़्यादा मेरे किल चुराते हैं एंड ये गलतियाँ मेरे टीममेट ने की हैं इस वाले मैच में। बट वहाँ मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया था, बट वो चीज़ें अवॉइड करते हैं एंड फिलहाल हम लोग यहाँ से निकलते हैं। एक फ्री का किल मुझे मिलता है एंड उस फ्री के किल बाद हम पहुँचते हैं सीधा अपार्टमेंट के साइड में जो रिकॉल टावर होता है वहाँ पर। एंड वहाँ जाने के बाद जो बंदे हमको मिलने वाले हैं उनको फिर से भरने वाले हैं अपन। अब इधर ओपन से एक बंदे की लोकेशन हम लोग को जैसे ही मिली हमने सीधी गाड़ी उसके पास लगा दी। अब इस बंदे को तो मैंने नॉक कर दिया था बट यहाँ पर मुझे लग रहा था कि अभी शायद इसका एक दो बंदा यहाँ घास में लेटा हो एंड उन घास में लेटे हो सांपों से ना बहुत ज़्यादा डर लगता है ऐसी सिचुएशन में जहाँ अच्छा खासा गेम प्ले जा रहा हो और एक दो सांप ना ऐसा डसे कि गेम ही खत्म कर दे। तो फिलहाल पहले तो मैंने एक दो नेट किया एंड कुछ हासिल ना होने के बाद मुझे वो बंदा नॉक वाला दिखा एंड उसको फिनिश किया एंड एक किल अपने और खाते में जोड़ा एंड 12 किल के साथ मैं यहाँ से निकल गया। एंड निकलने के बाद हम लोग ना सीधा जोन के उल्टी तरफ गए और वहां पहुंचे जहां बंदों में भसड़ मची हुई थी एंड उनकी भसड़ को शांत करना हमारे हाथ में था। अब दूर से देखने पर जो यहाँ पर ऐसा लग रहा था कि इस फाइट में हद से हद मुझे कम से कम 4 से 5 किल मिलेंगे बट यहाँ पर किल मिला मुझे सिर्फ एक और बाकी जो किल थे वो मेरा राइजन टीममेट जो था वो ले गया। बोले तो बाबा निराला, उनकी कृपा सब पे बरसी, उन्होंने सबका उपचार कर दिया। अब फिलहाल यहाँ के बंदे खत्म हो चुके थे एंड हम लोग यहाँ से निकले एंड निकलने के बाद अब जो ये बग्गी वाला जो स्प्रे आप लोगों को देखने के मिलने वाला है ना तो उसके लिए मैं गारंटी देता हूँ आप बिना लाइक ठोके नहीं जाओगे। अब देखो आप अब भाई ये स्प्रे इस बग्गी वाले बंदे पर कुछ ऐसा पड़ा कि इसको सांस ही नहीं आया और ये बंदा शायद मैंने एक बार मिलिट्री बेस पे भी मार दिया था। ये रिकॉल होकर दोबारा घूम रहा था, शायद मेरे को इसका नाम पड़ के कुछ कुछ ऐसा लगा कि ये शायद मारा था। तो फिलहाल यहाँ पर इस बंदे को मारने के बाद इसकी बग्गी उठाई एंड इसकी पेटी लूटी एंड अभी तक 5 किल मेरे टीममेट्स के थे बोले तो निराला बाबा के। एंड गाइस हम लोग ना एक अकेले बंदे के पीछे पड़ गए एंड उस बंदे को कहाँ तक दौड़ाया एंड वो ना मेरा इतना घटिया स्प्रे एंड इतनी घटिया तरीके से मैं गोलियाँ चला रहा था कि वो बंदा हालत ही नहीं आ रहा था एंड उसको बिल्कुल डैमेज नहीं हुआ बट यार उसकी गाड़ी फटने तक की नौबत आ गई बट वो बंदा एक गोली तक नहीं खा रहा था। यहाँ पर मैं अपनी ख़राब सिचुएशन थी मेरी थी या उस बंदे की अच्छी किस्मत थी वो देखो आप। अब भाई डीपी तो बिल्कुल ऐसी सिचुएशन में मेरे से हैंडल ही नहीं होती क्योंकि अगर बग्गी चलती है ना तो इसकी गोलियाँ पता नहीं कहाँ जाती है मेरे हाथ से। अब फिलहाल मेरे को इतना ज़्यादा गुस्सा आ गया था कि मैंने बग्गी से चलती बग्गी से जंप की एंड इसकी माँ का चोला जो होगा देखा जाएगा, इस बंदे को भरना है। अब फिलहाल इस बंदे को भरा एंड किस्मत इसकी कैसी हो एंड किस्मत ख़राब अब मेरी थी। अब फिलहाल पहला किल मेरा ये चुरा कि मेरा टीममेट स्मोक के अंदर गाड़ी ले आया। अब भाई दूसरा अब ये लो, अब फिलहाल यहाँ पर ना मैं बहुत ज़ोर से चिल्लाया था एंड आप लोगों ने ये चीज़ शायद देख भी ली होगी मैं चिल्लाया था, वो आप देखोगे राइजन की वीडियो में, उसने ये ना शॉट लगा दिया था। अब फिलहाल एक बंदा और हमारे सामने पड़ा। अब भाई इस वाले गेम प्ले में सांपों ने ना हद कर दी थी, जहाँ देख रहा था वहाँ 2-4 पड़े मिल रहे थे। अब कहीं अकेला पड़ा था, कहीं दुक्का इक्का दुक्का ऐसी जगह तक पड़े थे। अब फिलहाल दो और सामने पड़ते हैं। एक ही स्प्रे एंड इन दोनों की समाप्ति। अब फिलहाल बंदा बचा था आखिरी एंड जितना भी मैप बचा हुआ था उसमें हमने कम से कम 10 से 20 चक्कर लगा दिए थे बट वो बंदा मिलने का नाम नहीं ले रहा था एंड जैसे ही वो बंदा दिखा उसकी हालत मुझको दिख गई थी कि क्या है।
अब एक आखिरी बंदा बचा और पता चल गई हो कि उसकी गन रिलोड पे और एकदम मस्ती से वो ओपन में पड़ा हो रिलोड कर रहा हो, तो वहां पेन से किल मारने का अलग ही मजा है एंड ऐसा मैं सोचता हूँ। तो फिलहाल आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही एंड वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एक प्यारी सी कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जो भी चैनल पर नया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू।